और सीएम नीतीश की ताबड़तोड़ जनसभाएं। सबसे पहले खगड़िया सीएम करेंगे चुनावी रैली और एनडीए प्रत्याशी के लिए सीएम नीतीश मांगेंगे वोट। खगड़िया से एलजेपीआर के राजेश वर्मा प्रत्याशी। खगड़िया के बाद अररिया में सीएम की रैली और अररिया में भी एनडीए प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे। अररिया से बीजेपी के प्रदीप सिंह है उम्मीदवार। तो अररिया के बाद मधेपुरा में सीएम की चुनावी सभा। अगले 3 दिन तक मधेपुरा में कैंप करेंगे सीएम नीतीश। तो एक और खगड़िया में जहां एलजेपीआर के राजेश वर्मा प्रत्याशी और उनके पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे, तो वहीं खगड़िया के बाद अररिया में सीएम नीतीश की रैली होगी और एनडीए प्रत्याशी के लिए वो प्रचार करेंगे। अररिया से बीजेपी के प्रदीप सिंह मैदान में है। तो सीएम नीतीश आज ताबड़तोड़ जनसभाएं करेंगे और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ बने हुए हैं। उत्कर्ष, देखिए सियासी पिच पर सभी अपना शॉट खेलना चाहते हैं और अब सीएम नीतीश की अगर बात की जाए तो उनकी भी चुनावी सभाएं बैक टू बैक लगी हुई हैं। 3 सभाओं में आज वो शिरकत करने वाले हैं। अब बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार अब जनसभा को संबोधित करेंगे और 3 दिवसीय दौरे पर बिहार यानी कि मधेपुरा जा रहे हैं, पटना से बाहर निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये दौरा जो है वो नीतीश कुमार के लिए काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि दूसरे चरण के चुनाव की बात की जाए तो 5 सीटों पर महज NDA से JDU के उम्मीदवार थे और कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबक जो है इस बार NDA को देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इस बार अब एक्टिव नज़र आ रहे हैं। देखिए पहले जो यात्रा होगी वो खगड़िया में होगी, उसके बाद दूसरी अगर बात की जाए अगर उनकी चुनावी यात्रा तो अररिया में होगी, इसके अलावा अगर बात किया है तो मधेपुरा में भी रहेंगे और 3 दिनों तक लगातार प्रचार प्रसार करने वाले हैं। नीतीश कुमार के साथ खुद बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी जो हैं वो मौजूद रहेंगे। एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री लगातार बिहार के अलग अलग जगहों पर चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब नीतीश कुमार भी तमाम चीजों के लिए पॉलिटिकल एक्टिव नजर आ रहे हैं। विपक्ष को घेरने की पूरी तैयारी जरूर कर ली गई।